पहली बार विधानसभा पहुंचे प्रदेश भर के विधायकों ने दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संवैधानिक विषयों पर जानकारी हासिल की। मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सदस्य जान पाए कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे वे कम से कम शब्दों में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठा सकते हैं। वहीं कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों और राज्य की वित्तीय स्थिति को समझने का भी उन्हें अवसर मिला। मैंने पिछले कल भी कहा था, सभी विधायक अपने आप में परिपक्व होते हैं। जो विधायक बन जाता है, चुनाव लड़ लेता है, 1,00,000 लोगों का प्रतिनिधि बन जाता है, तो हर तरह से परिपक्व होता है। लेकिन विधानसभा की सारी कार्रवाई नियमों के अनुरूप होती है, कानून के मुताबिक होती है, संविधान के अनुच्छेदों के मुताबिक होती है। और हर चुने हुए जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको समय अवधि के अंदर अपनी सारी बात रख कर जो है सारे विषयों का समाधान करवाना है। इसीलिए उस दृष्टि से जो नए चुने हुए जो हमारे माननीय सदस्य थे, वो जो विधानसभा के अंदर जो नियमावली है, किस प्रकार की व्यवस्था अंदर होती है, कैसे जो है कामकाज करने की रूपरेखा है, उससे वो अवगत कराए जाएं। जो उनके चुनाव क्षेत्र के विषय हैं, उनको किस प्रकार से रखना है, और चुनाव क्षेत्र के विषयों के अलावा प्रदेश के विषय हैं जिसके ऊपर हर विधायक को जानकारी होना, प्रदेश की जो आर्थिकी है उसके बारे में जानकारी होना, प्रदेश की क्या आवश्यकताएं ज़रूरतें हैं उसकी जानकारी होना, और किस प्रकार से दृष्टिकोण जो है जिसको जिम्मेवारी मिली है, जिस दल को मिली है, उसको निभाना है और उनका अपना क्या दायित्व है, इन सब विषयों की जानकारी देने के लिए जो है ये 2 दिन की कार्यशाला यहाँ हुई है। और इसके समापन पर आज हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उद्योग मंत्री, आयुष मंत्री माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए। मैं इन दोनों का भी बहुत आभारी हूँ और सभी उन नए नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दी। और ये कार्यशाला जो है पार्लियामेंट्री रिसर्च स्टडीज़ के माध्यम से आयोजन हुआ, उसके एक्सपर्ट यहाँ आए थे, उनकी डेलिब्रेशंस हुई, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, जहाँ जानकारियाँ अतिरिक्त चाहिए थी वो मिली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी मान्य सदस्य इससे उनको लाभ मिला होगा और इस कार्यशाला के माध्यम से वो इफेक्टिव लेजिस्लेचर का रूप धारण कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।